रक्षक ही भक्षक बनकर नीलामी की आड़ में बड़हलगंज थाने के दीवान ने कबाड़ी को 22 लावारिस बाइक बेच दी। संदेह होने पर थानेदार मधुपनाथ मिश्रा ने छानबीन शुरू की तो दीवान और व्यवसायी रंगे हाथ पकड़ लिए गए। पूछताछ में भेद खुलने पर एसएसपी के निर्देश पर थाने के दीवान व ऑटो पार्ट्स विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बड़हलगंज थानेदार ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। व्यवसायी के गोदाम से पुलिस को 38 बाइक मिली जिसमें 22 थाने से चुराई गई थी। मंगलवार की शाम आरोपियों को कोर्ट में पेश कर वहां से जेल भेज दिया गया। 25 अगस्त को बड़हलगंज थाने में रखे 78 लावारिस दोपहिया वाहनों की नीलामी कराई गई थी। यह वाहन 3 लोगों को मिले थे। गोला रोड पर ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाने वाले बड़हलगंज कस्बा निवासी विवेक गुप्ता ने नीलामी में बोली लगाकर 1,00,000 रुपए में 25 लावारिस बाइक ली थी। थाने के दीवान जितेंद्र गौड़ की मिली भगत से विवेक 2 बार में 15-15 गाड़ी ट्रॉली पर अपने गोदाम पर उठा लाया। नीलामी गाड़ी को रात में ले जाने पर थानेदार ने आपत्ति जताई तो दीवान ने दिन में अधिक कामकाज होने का हवाला देकर टाल दिया। रविवार की रात 8 बजे ट्रैक्टर ट्रॉली से विवेक 8 बाइक लेकर जा रहा था। संदेह होने पर रात्रि अधिकारी दरोगा फहीम खान ने ट्रैक्टर ट्रॉली को रोक लिया। जानकारी होने पर पहुंचे थानेदार मधुपनाथ मिश्रा ने चेक किया तो 5 बाइक बिना नीलामी की निकली। पुलिस ने विवेक के गोदाम पर छापा डाला तो 30 बाइक बरामद हुए जिसमें 17 की नीलामी नहीं हुई थी। कड़ाई से पूछताछ करने पर पता चला कि दीवान की मिली भगत से ऑटो पार्ट्स विक्रेता थाना परिसर से बाइक ले गया था। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के आदेश पर बल्हरगंज थानेदार मधुपनाथ मिश्रा ने बलिया जिले के फिफना थाना क्षेत्र स्थित बहादुरपुर गांव के रहने वाले दीवान जितेंद्र गौड़ तथा बड़हलगंज कस्बा निवासी विवेक गुप्ता के खिलाफ साजिश के तहत चोरी करने और सरकारी संपत्ति का गबन करने का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि नीलामी की आड़ में बड़हलगंज थाने के दीवान ने ऑटो पार्ट्स विक्रेता को 22 लावारिस बाइक बेच दी। आरोपी के कब्जे से सभी बाइक को बरामद कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज कर दीवान के साथ ही व्यवसायी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।